बता सकूँ कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यू नो व्हाट, मैं हर बार हार जाता हूँ, हर बार, मतलब तुम मुझसे आगे ही निकल जाते हो, मेरी केयर करने में, मेरे परिवार की केयर करने में, पर अब नहीं, अब बहुत हो गया, यू हैव टू टेक स्पेशल केयर, ओके, अब से, प्रिया प्रिया, अरे अरे तुम ठीक हो ना प्रिया, आराम से, आराम से, आराम से, एकदम एकदम आराम से, एकदम आराम से, हाँ आइसक्रीम है, आइसक्रीम फोकस रोलिंग एंड उठने से लेना, हाँ बाल पीछे रोलिंग एंड रोल एंड एक्शन सर, उसी का पैसा है सर। हाँ, तू ऐसे पकड़ के रख, और थोड़ा सा लीक होना चाहिए, थोड़ा सा। सर ये कम है, ऊपर जाने से पहले कि हाँ, ऊपर तू लेके जाती है ना ऊपर। तब भी हाँ। इसके बाद मैं तेरे पास उसके पास जाऊँ। हाँ। गई उसको होल्ड किया। अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअली कुछ ज्यादा खा लिया ना, तो इसलिए मैं से घूमने लगा। हाय, माय नेम इज पीयूष सहदेव एंड आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण। बड़े अच्छे लगते हैं एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। सर काफी कंफ्यूजन हुई है, और राम जो है मतलब प्रिया को हमेशा देखकर तो हड़बड़ा ही जाते हैं, प्रिया को कुछ हो जाता है, तो इस सीक्वेंस में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, फन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, केयर भी है, काफी कुछ है, क्या कहेंगे कृष? देखिए वैसे तो मुद्दा ये है कि अभी जो अलीबाग वाला सीक्वेंस हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं, कि अलीबाग में जाके जो हम बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि राम के फादर का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मर्डर था या एक्सीडेंट था, उसकी गुत्थी को सुलझाना है, और उस बीच एक पार्टी सीक्वेंस आया है जहाँ पे पूरी फैमिली है साथ में, डांस हंगामा हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, मजाक हो रहा है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे एक केक आता है और वो राम खाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया सारा केक छीन के खा जाती है, और फिर खाने के बाद और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। काफी सारा ड्रामा क्रिएट करने वाला है, क्योंकि एक तरफ राम खुश हो गए कि अभी हम डैडी बनने वाले हैं, काफी सारी कंफ्यूजन हो गई उनको, कृष क्या कहेंगे। सो सी, टीवी इज ऑल अबाउट ड्रामा, अगर टीवी में ड्रामा नहीं होगा तो ऑडियंस उससे कनेक्ट नहीं होगी, तो हम कोशिश करते हैं जो हमारे मेकर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, कि हर एपिसोड में एक अलग अलग ड्रामा रखे, तो यहाँ पे एक ड्रामा रखा है कि वो केक वाला सीन है और केक में फिश है, फिश नहीं है, फिर प्रिया उसको खा लेती है, फिर वो सबको लगता है कि वो फिश खाने से उसका पेट खराब हो जाता है, तो लोगों को अलग अलग चीज़ें लग लगती हैं, किसी को लगता है कि उसका पेट खराब है, किसी को लगता है कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग, वो शी इज़ गोना बी अ मदर, तो ये सब चल रहा है, और इस दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सबके अलग अलग रिएक्शंस आते हैं, फिर प्रिया के सबको क्लियर करती है कि ये सब क्या तमाशा लगा रखा है। इट्स बीन वंडरफुल, आई एम रियली लविंग वर्किंग हियर, बहुत अच्छा एटमोसफेयर है, सारे एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, यूनिट बहुत अच्छी है, डायरेक्शन टीम हो या प्रोडक्शन हो, और बहुत मज़ा आता है, हम लोग ऐसा लगता है जब हम शूट करने जाते हैं सेट पर तो ऐसा लगता है वी हैव कम फॉर अ पिकनिक, तो एक काम के साथ साथ एंजॉय भी होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे। आपको कैसा फैंस से रिस्पांस मिल रहा है कृष को? बहुत ही कमाल का रिस्पांस है, मतलब मेरा अभी 6-7 दिन या 8 दिन या 10 दिन हुए हैं कि टेलीकास्ट होते, तो लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, जो लोग इस शो से जुड़े हैं, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब एक नया किरदार एक शो में आता है तो लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको, और कह रहे हैं कौन आ गया, क्या कैसे आ गया, तो ऐसा नहीं हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इसी तरह से इस रोल को प्यार करते रहे और शो देखते रहे। यस ऑब्वियसली प्यार बरकरार रहे, हम भी यही चाहेंगे। आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो मैं बॉलीवुड स्पाई का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक्त निकाल के और हमसे आपने बात की, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर सेट। और लोगों तक हमें पहुँचाने का जो ये काम है वो आप लोग ही करते हैं, और इसके लिए आई रियली अप्रिशिएट यू। और लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप को हम एंटरटेन करने का जो हमारा एक जिम्मेदारी है हमारी, हम उसको पूरी तरह से निभा रहे हैं, और यही कोशिश रहेगी कि आगे भी इसको हम करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें और आपको खुश करते रहें।